निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो कथन का उद्धृति करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सत्ता की चाबी वो चाबी है जिससे विकास के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था है कि सत्ता में भागीदारी उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक संगठन में काम करते हैं और संगठन में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। मोटे मोटे आंकड़ों के हिसाब से इस देश में रेगर समाज की जनसंख्या लगभग 40 लाख है और जब हम जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक दलों में सत्ता और संगठन में हमारी भागीदारी को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें यूं लगता है कि आजादी के 70 साल बाद में राजनीति में सत्ता और संगठन में हमारी लगातार कमजोरी आई है। दिल्ली में आदरणीय धर्मदास शास्त्री जी रहे, सांसद रहे, नव प्रभाकर जी रहे, सुंदरवती नव प्रभाकर जी रही और भी लोग रहे, राजस्थान में हमारे विधायक रहे हैं और एक एक बार विधानसभा में पांच पांच छह छह विधायक रहे हैं। आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हैं यहाँ, उससे बेहतर समझते हैं। तो आज जो कि राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इस बात पर चिंता करने की जरूरत है और मैं अपने शब्दों में कहूं कि आज हमको इस मंच के माध्यम से आज इस सम्मेलन में राजनीतिक धरातल को फिर से तलाश करने की जरूरत है। संगठन में एक ब्लॉक से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, ये देखा गया है कि मुख्य संगठनों में रहकर समाज के लोगों की भागीदारी बहुत ही कम है। राजनीतिक दल प्रकोष्ठ बना देते हैं, श्रीकास्ट का प्रकोष्ठ बना दिया, स्टूडेंट ट्राइब्स का बना दिया, माइनॉरिटी का बना दिया और हमारी प्रतिभाओं को उन प्रकोष्ठों में लगा देते हैं, उन्हें बिजी कर देते हैं और मुख्य संगठनों से हमारे प्रतिभाओं को, हमारे लोगों को दूर रखते हैं। और जब वो उन संगठनों से दूर रहते हैं तो जब टिकट का वितरण होता है तो सत्ता से उनको दूर रखा जाता है क्योंकि उन्होंने मुख्य संगठन में काम नहीं किया। मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के तमाम राजनीतिक दलों से, इस समाज की ओर से अपील करना चाहता हूं कि हमारे समाज के कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, उन्हें मुख्य संगठनों में जरूरी जगह दें, उनको आवश्यक जगह दें। बहुत जगह ब्लॉक अध्यक्ष हमारे समाज के नहीं है, जिला अध्यक्ष हमारे समाज के नहीं है, प्रांतीय संगठनों में उपाध्यक्ष और महासचिव हमारे समाजों के नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को आनुपातिक रूप से संगठनों में जगह देवे। इसके साथ ही मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि आबादी के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से टिकट वितरण में वो पंचायत समिति का टिकट हो, वो जिला परिषद का टिकट हो, वो नगर पालिका या नगर परिषद का टिकट हो, वो विधानसभा का टिकट हो, चाहे वो लोकसभा का टिकट हो, जनसंख्या के हिसाब से रेगर समाज के लोगों को जो जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं उस विचारधारा की पार्टी उन्हें टिकट देवे। इसके साथ ही मैं एक बात, जो कि मैं भी एक पंचायत का सरपंच रहा हूं, एक बड़ी पीड़ा आती है कि कोई भी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करती है, उसे अपना प्रत्याशी बनाती है तो हमारे ही समाज का दूसरा भाई उसको हराने के लिए चुनाव लड़ना शुरू कर देता है, चुनाव लड़ता है और उसको हरवा देता है। इस मंच के माध्यम से तमाम समाज के लोग, पूरा भारतवर्ष एकत्रित है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो रेगर भाई के सामने चुनाव लड़ दें, ये लड़ने की बात सोचे भी नहीं और समाज के
लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को रोके, ऐसे लोगों को समाज के आदमी के सामने चुनाव लड़ने से रोके। लोकतंत्र में एक वोट का बड़ा महत्व होता है। अगर हमारा समाज का आदमी एक वोट से भी हारता है तो समाज की बहुत बड़ी हानि होती है। एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को मैं कि राजनीति में जब टिकट देते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो उन पार्टियों से मैं अपील करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के समर्थन से, कि आप ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाएं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हो। मैं पूरे समाज से इस बात के लिए समर्थन चाहता हूं, अपने जो प्रस्ताव मैं आप लोगों के माध्यम से याद रख रहा हूं, उस प्रस्ताव के लिए पूरे समाज का समर्थन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें कि ऐसे लोग